देखिए घर की असलामुअलैकुम, साफ वेलकम बैक सफाई टू हो रही है, नानीस किचन वर्ल्ड। हमारा आधे ज़्यादा साफ हो गया। और कल फ्रिज सपोज साफ किया तो उसमें प्लास्टिक की बॉटलें थी, तो वो डीमार्ट से लाए थे, करीब हो गए 7-8 महीने पहले। तो प्लास्टिक की बॉटलें बोलते हार्मफुल रहती हैं, अरे पूरी दुनिया यूज़ करती, लेकिन ये है कि नुकसान तो है, ज़्यादा दिन पानी उसमें रख के पीजिए। तो हमने सोचा ये नापतौल में ऑफ़र था, 3 बॉटलें 1-1 लीटर की हैं और 3 बॉटलें 75 ml की हैं, तो 6 बॉटलों का ऑफ़र था 9.99 में। तो ये चलिए हम खोलते हैं बॉक्स। ये बॉक्स हमने देखिए खोला है, देखें इसका क्वालिटी कैसी है। तारीफ तो बहुत बता रहे थे, उसमें स्टेनलेस स्टील है इसमें। तो देखिए ये बॉटलें तो अच्छी हैं। खैर ये देखिए, ये सभी फुर्सत स्टील ऐसा है, टूटता भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि स्टील में मतलब कोई टेंशन भी नहीं है और लॉन्ग टाइम तक चलता है, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं कि इसको चेंज कर, और सेफ भी है ये बॉटलें। देखिए तो काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी वज़न की हैं बॉटलें। देखिए तो ये अच्छा है, ये मतलब एक सुकून इत्मीनान भी है कि भाई इसमें पानी पियेंगे ठंडा। फ्रिज में अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में हम लोग को पानी, ठंडा पानी बहुत लगता है, शरबत बनना है, फिर ना अफ्तार के टाइम ठंडा पानी पीना रहता है, फिर रात में कभी सहरी में, मतलब यूज़ खोल के भी देख लें हम। देखिए दिखा रहे हैं, देखिए अंदर स्टील का भी इसका अच्छा सही है सब, और इसमें अंदर रबड़ का ये दिया है, देखिए इससे पानी लीक नहीं होगा। देखिए देखिए ये दिया है, इससे पानी क्या है ना, बॉटल लीक नहीं होगी। हमने अंदर जिस तरह उन्होंने बताया, टीवी में बता रहे थे ऑफ़र के टाइम, उस टाइम वैसे ही है सेम। तो चलिए ये इस तरह अगर आपको पसंद आता है तो आप सब भी मंगाइए। तो चलिए फिर आगे कुछ और रहेगा, फिर हम आपको बताएंगे। और ये घर की साफ सफाई के साथ ही हम ऐड करेंगे वीडियो। आज ये किचन का आधा हिस्सा साफ हुआ है, ये ट्रॉली हम लोग ने साफ, हमारी बहू ने साफ़ किया है। देखिए सब बहुत मुश्किल हो गई इसको साफ़ करना। ये देखिए ये सब सामान सेट हो गया है, देखिए एकदम नीट क्लीन हो गई, एकदम साफ साफ ये हो गया है। और ये साफ़ किया है उसने सब, और ये जो है नीचे का बहुत मुश्किल से कैसे निकालें, कैसे निकाल, कैसे भी फर्नीचर वाला जो कि बता के गया था हम लोग को, लेकिन समझ में नहीं आया था। खैर निकल गई, अब इसको साफ़ कर दिया अंदर भी। देखिए अब सिर्फ इसमें सामान सेट करना है, बस इतना काम रहेगा। देखिए अंदर का ही पूरा उसने साफ़ किया हमारे के फायका ने, अब ये अंदर इसको सेट करने की देखिए कितना टाइम लगता है। और टाइल्स रहेगी, बाकी किचन का आधा काम तो 5-6 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन ये बच्चा घर में है उसकी वजह से टाइम नहीं हो पाता, हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। आज खिचड़ी बना के सोच रहे बनाए कि ये थोड़ा सा हम लोग मिल के कर लें। ये देखिए खैर लग गई हमसे, थोड़ा वैसे ही आइडिया लगा। एक तरफ कैसा है इसकी ये पत्ती है ना नीचे पुश करने का इसको, और इस एक तरफ ही ऊपर ऊपर को पुश करने का, फिर ट्रॉली बैठ जाती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम लोग को इजी हो गया। तो ये सफाई हो गई है, ये तो पहले ही हमने आपको बता दिया था, ये तो पहले ही साफ़ हो गया, ऊपर कबाड़ वगैरह सब साफ़ हो गया अच्छे से, टाइल्स की हम जो कुछ तो फायदा की हेल्प कराएंगे। एकदम शांत, उसको झूले में इतना मज़ा आता है, एकदम शांति से बैठता है और सो भी जाता है झूला झूलते। देखिए ये देखो गोदी ले लो, इनको बोलता है गोदी ले लो, ये देखो हाँ नहीं अब नल में जो कपड़ा लगा है, देखिए रोज़ हम लोग उसको साबुन से धोते हैं, लेकिन बोरिंग का पानी आजकल हम लोग के यहाँ दे रहे हैं सोसाइटी में, तो इतना गंदा काला पानी आता है कि देखिए रोज़ ये कपड़ा काला हो जाता है एकदम, और इसको रोज़ हम लोग को धोना पड़ता है। पाइप वाइप सब इधर, ये कॉर्नर का पाइप रह गया है और ये इधर का पाइप पूरा साफ हो गया, ये दे देते हैं।
इतना काम हेल्प करा रहे हैं इसकी। ये तो ये अब ये नीचे नीचे जो है ये नीचे नीचे का पोर्शन पूरा ये सब पूरा घसने को रह गया। देखिए ये सब ये इतना इतना बाकी ऊपर का हो गया। ऊपर मेन चढ़ने उतरने मेन सुकून हो जाता है कि जब हो जाता है साफ। ये हमारा सब हो गया साफ, चमक गया नहीं तो सिर्फ एग्जॉस्ट फैन रह गया, वो आतिफ साफ करेगा। बाकी सब नीट क्लीन हो गया, देखे सब हो गया। हमारे हॉल अभी 10-12 दिन पहले ही किया है तो हॉल को थोड़ा एक दो तरह रोजे पे करेंगे क्योंकि फिर पर्दे थे तभी ईद के हिसाब से चेंज कर देंगे। ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़।